हाँ सलाम जी, नाम है। सुल्तान हाँ जी क्या आंटी, हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ। ये जो गालिब ने अभी वीडियो दिखाई है उसमें वो, अब उसको क्या बंदा गाली दे, वो बच्ची को हाथ हाँ लगा रहा है, बीच में बच्ची बैठी है। क्या मसला है इन लोगों का, मुझे तो ये समझ में नहीं आती, क्या इनको दिमागी, ये नॉर्मल नहीं, ये बस नहीं हो सकता, ये सुल्तान, लोग आप नॉर्मल। ये बड़े मासूम लोग हैं, ये बहुत ज्यादा बागैरत, बाज़मीर, मतलब हाजी नमाजी मुसलमान हैं ये सब के सब, ठीक है। अच्छा ये बड़े ही मतलब मुत्तकी परहेजगार लोग हैं सब। हाँ, नहीं उसपे हाँ, इतनी इनको आग अगर लग रही होती है मगर देख नहीं रहे कि काम क्या हो रहा है। हैप्पी जी, हाँ वो कह रहे इतना हिला रहे थे। हाउ आर यू, हाउ आर यू? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ जी। आप कहाँ से हैं? फ्रॉम नेपाल। फ्रॉम नेपाल, नाइस। क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ नहीं, बस मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो ना, तो इसलिए। थैंक यू यार। ये जो इंसिडेंस है मीनारे पाकिस्तान का, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी आप? बहुत दर्दनाक, में तो देखा ना, तो ऐसा भी होता है। तो वो बुरखा वाला अभी गालिब सर ने दिखाया था, मुझे सच में कभी कभी लग रहा था पहले पहले कि बुरखा वाली को शायद ऐसा कुछ हरासमेंट नहीं होता होगा, पर फिर भी देखा तो डर गई ना, क्योंकि मैं इधर देखती हूँ नेपाल में जो मुस्लिम्स हैं वो ज्यादा बुरखा नहीं पहनती है ना, बहुत अच्छा, कम लोग पहनते हैं, तो इसलिए ऐसा देखा नहीं था तो डर गई क्या। नेपाल में कैसा है आप लड़कियों के लिए? सेफ है वहां पर, आप लोग निकल सकती हैं बाहर? इंडिया पाकिस्तान से तो बेहतर है, बट फिर भी पैट्रियार्की तो है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान से बेहतर ही है। मतलब हम अच्छा, निकल सकते हैं, रात को निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, मतलब लोग हमको कैट कॉलिंग नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होता है, जैसे ऑफिस में नहीं होता है पर रोड में भी नहीं होता है, पर किधर 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 होता है। बसेस में कई बार हो जाता है पर बस में भी नहीं होता है, होता चलो है इट्स लेकिन गुड। उतना नहीं होता है कि मैं सर पटकना पड़े, इतना तो नहीं होता है। हाँ चलो, ये सुन के खुशी हुई कि अच्छा चलो, हालांकि नेपाल को हम बहुत छोटा सा मुल्क समझते हैं, मगर एटलीस्ट वहां पर इस चीज की तो तमीज है, लड़कियां एटलीस्ट सेफ तो हैं। और कुछ आप कहना चाहेंगी हैप्पी जी? जी फुली सेफ तो नहीं है लेकिन उधर से तो सेफ ही है, और जो जो प्रोग्रेस रिकॉर्ड है ना, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री सबसे आगे अभी लड़कियों का नेपाल है, क्योंकि नेपाल में ना एकदम रूरल से भी रूरल एरिया की फैमिली को क्या क्या कॉन्सेप्ट हो गई है अब, कि लड़कों को मत पढ़ाओ तो भी चलेगा, कोई और जाएंगे तो मिस्त्री वाला काम करके भी चलाएंगे, पर लड़कियों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा, खुद को बेच दो पर पढ़ाना तो है ही है, ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है, और घर घर में इतना तो हाँ, हो दैट्स गया है गुड, बस। चलो अच्छा है। और इसी से देखना आप, नेपाल जो है इसी वजह से आगे निकलेगा, आप देख लेना पाकिस्तान और इन लोगों से, दूसरे मुल्कों से। नेपाल चले, थैंक यू सो मच जी। जी नेपाल में बोलिए। तो मुस्लिम लड़कियां भी मुझे लगता है, अब जितना देखा है अंदर अंदर तो नहीं पता, पर जितना देखा है उतने में नेपाल की लड़कियां भी वेस्ट से भी आगे है नेपाल की मुस्लिम लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है अच्छा जितना मैंने काठमांडू में देखा है और जितना मैंने बर्दिया तीर मतलब अपनी जगह तीर देखा है, हाँ तो मुस्लिम औरतें तो यहाँ अच्छी है, प्रोग्रेस कर रही है, पढ़ी लिखी है। चलो अच्छा है। चलिए, कोई तो एक ऐसा मुल्क है जहां पर ये लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं, नेपाल मस्त। चलें, थैंक यू सो मच हैप्पी जी, हम आगे बढ़ते हैं। आप आती रहा करें, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मेरी ब्रॉडकास्ट पे लड़कियां आती हैं और मेरा मेकअप देखती हैं या बातें करती हैं। ठीक है, थैंक यू, चलो टेक केयर।